हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेहत का खजाना में। जल ही जीवन है, ये हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है। पानी भी उतना ही जरूरी है जीवन के लिए जितना जरूरी खाना है। दोस्तों, हम पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे चाहें, जब चाहें और जितनी मात्रा में चाहें पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, इस्तेमाल करने में उससे भी ज्यादा कठिन होता है। पानी हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है। पेट से लेकर त्वचा तक, वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, पानी पीने का सही वक्त और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में जानकारी ना हो तो इंसान चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और जिसकी वजह से शरीर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि अपचन, गैस, कब्ज, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, दाद खाज खुजली होना, चेहरे पर पिंपल और दाग धब्बे होना, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो जाना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द रहना, शरीर में अनचाही जगहों पर चर्बी का जमना, चक्कर आना, वजन घटाने या बढ़ाने में परेशानियों का सामना करना, बालों का झड़ना और रातों को सही समय पर नींद न आना जैसी कई बीमारी पानी को गलत मात्रा और गलत तरीके से पीने से हो जाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका कैसे पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या होता है, पानी हमें ठंडा, गर्म या नॉर्मल पीना चाहिए और पानी वजन बढ़ाने और वजन घटाने में किस तरह से मदद करता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में 60-70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी हिस्सों पर ठीक तरह से काम करने और हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पूरे दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पीना चाहिए और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका किस तरह से पता लगाया जाता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही कभी कभी पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है और अगर शुरू में ही पानी के पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी परेशानी में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमाग को ताकत देता है, पाचन क्रिया को सही करता है और आंख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि चाहे खाना खाए बिना इंसान लंबे समय तक जिंदा रह ले, लेकिन पानी के बिना एक दिन भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल, पेशाब, पसीना और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 लीटर पानी हमारे शरीर से रोजाना बाहर निकल जाता है, जिसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत और वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में पसीना ज्यादा निकलता है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, यानी 5 से 6 लीटर पानी गर्मी में
जरूर पीना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें आम लोगों के मुकाबले ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ भी ये सवाल उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पीने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका जवाब बहुत ही साधारण सा है कि कोई भी चीज जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना कि पानी पीने की लिमिट होती है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति दिन में 5 या 6 लीटर से ज्यादा पानी पीता है। अब सवाल आता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि जब चाहे जैसे चाहे पानी को पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और 3 सांस में या चाय की तरह सिप सिप करके पीना चाहिए। और याद रहे, कभी भी पानी को खाना खाने से एकदम पहले या खाना खाने के एकदम बाद नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, या फिर खाना खाने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी को थोड़ी देर मुंह में रखकर इधर उधर घुमाकर पीते हैं तो इससे हमारे मुंह में मौजूद राल पेट में जाकर पेट की एसिडिटी को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी पानी को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से बाहर मौजूद बहुत सारी गैस और धूल के कण हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे आगे चलकर जोड़ों में दर्द होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे 3 सांस में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या 2 गिलास या जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में बिना इस्तेमाल हुए ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अब बात आती है पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल। दोस्तों, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज हम खाते हैं या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है, फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पीते हैं तो वो पहले हमारे पेट में गर्म होता है, फिर काम में आता है, और इस प्रोसेस में शरीर की बहुत सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को पचाने में भी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ हो जाता है, यानी टॉयलेट में कोई परेशानी नहीं होती। अब बात करते हैं पानी किस वक्त पीना चाहिए और किस वक्त नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जहां लोग अक्सर गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाते वक्त या पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से अंदर चले जाते हैं और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना। आधा खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले या बाद में गिलास भरकर या इससे ज्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला कर देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले या सोने के बाद बीच में अचानक से आंख खुल जाने पर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद होता है, उसी तरह रात के समय ज्यादा पानी पीने से हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही
किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जिससे हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है और दोबारा नींद एकदम आसानी से नहीं आती। इसलिए जितना हो सके पानी को हमेशा दिन के समय में ही पीना चाहिए। इसके साथ ही दो बार पानी पीने के बीच में कम से कम 30 से 45 मिनट का गैप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से भी पानी हमारे शरीर में बिना इस्तेमाल हुए ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी बार बार पेशाब आने की समस्या भी पैदा हो जाती है। जब कभी आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े पानी से भी काम चल सकता है। पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखना चाहिए, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने का थोड़ा मौका मिल सके, क्योंकि पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीते रहने से पेशाब की थैली का मुंह नीचे से खुला रहता है, जिससे बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। अक्सर किसी भी तरह का फल या ऐसी सब्जी जिसे आप कच्चा खाते हैं, जैसे खीरा, मूली, टमाटर या कोई और सब्जी, तो इन्हें खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुखाम भी हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी या सूप जैसी चीजों को पीते हैं, तब भी आपको तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पीने के तुरंत बाद पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं कि हमें पानी कब पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं फिर खाना खाते हैं, उसी तरह से हमें हर सुबह कुछ भी खाने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात भर सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफी हद तक सफाई हो जाती है, लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते या पीते हैं, तो रात भर सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ पेट में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से गैस, बदहजमी या कब्ज की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसे ही दिन में खाना खाने के आधा घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर जरूरत है तो खाना खाने के तुरंत पहले या बाद में सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात के समय जितना हो सके पानी कम से कम मात्रा में पीना चाहिए। रात को खाना सवेरा यानी 6 बजे के आसपास खा लेना चाहिए और रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है और इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। अगर आप रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं या मेहनत का काम करते हैं और आप पसीने में हैं, आपका सांस भी फूल रहा है, तो आपको एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। जरूरत के हिसाब से 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, क्योंकि उस वक्त शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसलिए उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए कम से कम 20 मिनट आराम करके पानी पीना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए पानी के इस तरीके को इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सी परेशानियां काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से वजन घटाने और वजन बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब तक किसी इंसान का पाचन ठीक ना हो वजन का बढ़ाना या घटाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाकर कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी सेहत में बहुत अच्छा सुधार महसूस होने लगेगा। तब आप वापस आकर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना कीमती वक्त देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेहत का खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल सेहत का खजाना द्वारा वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गई है।
और इसे चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है और यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।